Anu! Anu! मेरे घर में आकर मुझी को बंदी करते हो, तुम सबको मैं अब मार दूंगी। क्या हो रहा ना? आप जाओ, अलमारी को चला दो, जाओ। लेकिन तुम्हें समय निकला जा रहा है, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। स्वामी जी बुला रहे हैं, जल्दी आओ, जाओ सर, जाओ जाओ। जल्दी उस अलमारी को जला दीजिए, समय निकला जा रहा है। स्वामी जी, अब तो हम अपनी बेटी को लेकर आ सकते हैं ना? ले आइए। अनु, अनु, बेटा अनु, माँ, मुझे क्या हुआ? माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। स्वामी जी, अब ये समस्या खत्म हो जाएगी क्या? ये प्रसाद उन्हें पिला दीजिए। आओ बेटी। लो बेटी, प्रसाद पी लो, पी लो बेटी। मुझे और मेरे पति को अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है तूने। ए बच्चे, भगवान का नाम लिखकर तूने बंदी बनाया, और तुझे लगा मैं बंदी बन जाऊंगी? मुझे मारने के लिए तूने मेरी अलमारी को जलाया, और मेरे ही घर में बैठकर तूने मुझे मारने के लिए होम किया, और चाहकर भी तू मुझे नहीं मार पाया। याद रख, मैं कोई सामान्य प्रेत नहीं हूँ, मैं हूँ डायना। तू मुझे बंदित करने आया, लेकिन तू ही खुद अपने जाल में फंस गया है। ये जगह मेरी है, इस डायना की। भगवान ने तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा कि ये जगह तुम्हारी है, बस एक कागज पर तुम्हारा नाम है, और वो सिर्फ तब तक है जब तक तुम हो, लेकिन अब तुम्हारा हक वो नहीं है। इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, इस घर को और इस शरीर को छोड़ दो, छोड़ना ही होगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ए, चुप बैठ तू। तू मुझे मुक्ति देने वाला है? मेरी शक्ति क्या है मैं तुझे अभी दिखाती हूँ, इन दोनों को मार कर। देख मैं तेरे सामने इन लोगों को कैसे मारती हूँ। Yeah!
ప్రళయకాల అనల ప్రమజ్వలంద్ర తాపదాయనే ప్రకట విక్రమ వీర దైత్య కార్య దూతనే. उस शरीर का खून जिन वस्तुओं पर है उस हर वस्तु को अग्नि में दहन करना होगा. मैं मारूंगी. मारने के लिए तैयार हो जाओ. क्यूब आग में गिरने के बाद हम बाहर आए कि नहीं? क्या है अनु, कब की सुबह हो गई है? तो अभी तक सोई है? दरवाजा खोलने को क्या हुआ? रोज रोज वही बात, पता नहीं कब सुधरेगी लड़की. रात को भूतों वाली फिल्म देखकर भूतों की तरह सोती हो. देखो तुम्हारी शक्ल भी भूतों जैसी हो गई है. ए अभी तू अब तक जिंदा है? अरे राक्षस कहिए, सुबह सुबह मरने की बात कर रही है तू? मेरे बेटे को मारना चाहती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली. भागती है. अरे नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनो. क्या प्रोग्राम देखती है? रुको, क्या हुआ? तू इतना भागेगी तो असमा का अटैक आएगा, फिर तेरा लाडला बेटा इनहेलर लेकर आएगा. इतना सेंटिमेंटल ड्रामा जरूरी है क्या माँ? क्या अस्तमा और मुझे क्या हुआ है तुझे? मतलब हम सब घर वालों को मारने का प्लान किया है तूने? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी. अभी स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी चलो. हाँ आता हूँ. माँ ये तो स्वामी जी है, ये स्कूल कब से जाने लग गए? माँ पक्का इसे कुछ तो हुआ है, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ. माँ पापा किधर है? इस घर में सब विचित्र लोग रहते हैं. तेरी 12 बजे तक सुबह होती नहीं है और तेरे पापा सूरज निकलते ही ऑफिस की मीटिंग के लिए चले जाते हैं. क्या करे, मेरे कर्मों का फल है. सब कंफ्यूजन है, क्या हो रहा है ये? माँ जी दूध. अरे रामू तुझे कितनी बार कहा कैसे दूध लेट मत लाया कर. कल से अगर मैं सुबह सुबह जल्दी दूध नहीं लाया तो मेरा नाम रामू नहीं. रोज रोज तेरा यही बहाना है. फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही है? पता नहीं क्या सोच रही है. हेलो, हाँ बोलो. ऐसा क्या? ठीक है ठीक है, चाबी ना ले लूंगी. रखती हूँ. किसका फोन था? तेरे पापा का. क्या हुआ?
कोई घर बिक रहा है, कह रहे देख कर आते हैं। घर कहाँ किधर? वो कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे। डायना हाउस क्या? वो कौन सा है डायना हाउस? नहीं, सावित्री हाउस है। सावित्री हाउस? सुबह सुबह क्या हुआ है, अजीब अजीब बातें कर रही है? चल उठकर जल्दी तैयार हो जा। क्या हो रहा है मुझे? मेरे सपने में जो आया था वही चल रहा है ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों हूं मैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्टीफन है, मैं आपका साइकोलॉजी का लेक्चरर हूं। स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है ड्रीम्स, मतलब सपने। सपने भी दो प्रकार के होते हैं, पहला नींद में आने वाले सपने, दूसरा जागते हुए देखे जाने वाले सपने। अब मैं नींद में आने वाले सपनों के बारे में बताता हूँ। द मोस्ट फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडविन डिस्फेन ने कहा है, एक हेल्दी इंसान अपनी एक नींद में 5 से 6 बार सपने देखने का सामर्थ्य रखता है। वो सपने एक दूसरे से संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम जिसके बारे में अपने मन में ज्यादा सोचते हैं वही हमें सपना बनकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को इंजीनियर बनना पसंद है और कुछ लोग अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो लोग अपने सपने में खुद को डॉक्टर और इंजीनियर बना हुआ देखते हैं, और जो लोग हमेशा हॉरर बुक और थ्रिलर बुक पढ़ते और देखते रहते हैं उन्हें हमेशा भूतों और आत्माओं के सपने आते हैं। और जिनके साथ हम लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं उनका हमारे सपनों में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्या जानू, प्रपोज किए हुए कितने दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। जानू आराम से संभाल कर फिसल जाओगी, अगर तुम सीढ़ियों से फिसल जाओगी तो तुम्हें चोट लगेगी और मुझे बहुत बुरा लगेगा। नाम के लिए सिर्फ मेरी लवर है तू, रोमांस तो बस तू इस बुक के साथ करती है। दिमाग घूम गया था इसलिए तुझसे प्यार किया। कुछ भी हो जाए इन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। कई सपने पानी के बुलबुले जैसे होते हैं जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कई सपने ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमें हमारे भविष्य के बारे में सूचित करते रहते हैं। इस बात को अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतना ही नहीं देश के चक्रवर्ती राजा टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवाजी महाराज सबने सपनों के बारे में माना है। लेक्चरर के हिसाब से मुझे भूतों में इंटरेस्ट है इसीलिए ऐसे सपने आते हैं, या आगे मेरे लाइफ में ये होने वाला है? मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं, या पहले ये सब मेरे साथ हो चुका है इसीलिए मेरे सपने में आया? रोज भूतों की फिल्म देखकर सोती है, तेरी शक्ल भूतों की जैसी हो गई है। हाँ बोलो, चाबी ले लूं? लूंगी, रेडी होती हूँ। पापा ने फोन क्यों किया था माँ, क्या हुआ? कोई घर बिक रहा है देखकर आते हैं बोल रहे थे। कौन सा घर, घर कहाँ है? वो कहीं महाबलेश्वर में है कह रहे थे। हाँ डायना हाउस, नहीं सावित्री हाउस। डायना हाउस। मुझे को पता करना होगा। सावित्री हाउस। तो कल रात जो मैंने सपना देखा वो सपना ही था, हकीकत नहीं। ना ही मैं कोई छत्रपति शिवाजी हूँ और ना ही टीपू सुल्तान हूँ जो मेरा सपना सच हो जाए।